दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हमारे फार्म में बेच का सातवां दिन है और सातवें दिन में जो है हम स्पेशल हमने कुछ नहीं किया दोस्तों। एक्चुअली कल मैं लेट हो गया था, इसके कारण हम कल वैक्सीन नहीं कर पाए। तो दोस्तों, इसके कारण हम सातवें दिन वैक्सीन कर रहे हैं। वैसे हम इसको छठवें या सातवें दिन कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि पर्दा जो है ये मैंने पूरा क्लोज कर दिया, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। किंतु आज हमने सातवें दिन में विशेष हमने क्या किया है कि इस वाटर सैनिटाइज जो हमारा दो दिन से बंद था वो तो बंद ही था, और हमने स्पेस भी हमने पहले ही दे दी थी। और दोस्तों, हम आज वैक्सीन करने वाले हैं, और वैक्सीन करने में हम क्या किस प्रकार से वैक्सीन करते दोस्तों, इससे पहले जो मैं वैक्सीन करता था वो आई ड्रॉप वैक्सीन करता था। और मैं करीब एक साल तक, जब 2019 और 2020 में जब तक मेरे पास में निप्पल ड्रिंकर सिस्टम नहीं था, ऑटो ड्रिंकर लगे हुए थे, उस टाइम पे जो मैं जो भी वैक्सीन करता था वो आई ड्रॉप करता था। बच्चों को एक तरफ करके और पकड़ पकड़ के उनको वैक्सीन कर करके दूसरे पार्टीशन में छोड़ देता था। उसके कारण दोस्तों, एक फ़ायदा ये होता था कि हमें 100% हमारा वैक्सीनेशन हो जाता था। और उसके साथ में जो फ़ायदा जो था हमारा कि बर्ड को जो है, मान लीजिए हमें आगे जो पार्टीशन में जो है इक्वल तरीके से हमको करना होता था, हम जो है उस प्रकार से हम कर देते थे। किंतु दोस्तों, उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि एक तो उसमें वैक्सीन करने में हमें समय ज़्यादा लगता था, दूसरा बर्ड जो है लूज़ हो जाते थे क्योंकि हम उनको भाग भाग के पकड़ते थे, और तीसरा उसमें लेबर चार्ज भी ज़्यादा लगता था। तो दोस्तों, अभी जो निप्पल ड्रिंकर सिस्टम में जो है हम वैक्सीन करते हैं, उस वैक्सीन करने का सिंपल तरीका है ये है। वैसे दोस्तों, तो निप्पल वैक्सीन करने के जो तरीके हैं, एक तो हम आई ड्रॉप कर सकते हैं, और एक तो हम नाक में भी डाल सकते हैं, और तीसरा जो तरीका ये है हम पानी में भी पिला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं तीसरा तरीका यूज़ करता हूँ पानी में पिलाने का। तो दोस्तों, इसमें पानी में पिलाने का एक शानदार तरीका ये है कि पहले तो एक दिन हम चाहे आई ड्रॉप कर रहे हों चाहे नाक में डाल रहे हों, दोस्तों सेम सिचुएशन हमारी वैक्सीनेशन का जो तरीका हमारा सेम रहता है। जैसे कि हम एक दिन पहले से वाटर सैनिटाइजेशन बंद कर देते हैं और एक दिन बाद तक वाटर सैनिटाइजेशन बंद कर देते हैं। उसका कारण यह है कि बर्ड जो है जैसे ही वैक्सीन होती है उसके आधे घंटे बाद में फिर वो स्ट्रेस में जाता है, और स्ट्रेस में जाता है उसके कारण जो है उनको पानी जो है नेचुरल क्वालिटी वाला मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि हम वैक्सीन किस प्रकार से के जो तैयारी हमें किस प्रकार से करनी होती थी। किंतु दोस्तों, अब जो है हम जो है ड्रिंकर सिस्टम की वैक्सीन करते हैं, तो उसमें हमने दो घंटे तक बच्चों को प्यासे रख देते हैं। अब जैसे कि हमने 7 बजे वाल्व बंद कर दिया था, अब जो है ड्रिप कप में जो पानी था और ऑटो ड्रिंकर में जो पानी था और लाइन में जो पानी था, बच्चों ने सभी पानी पी लिया। अब देखिए दोस्तों, अब पानी के लिए बच्चे कैसे लाइन के आसपास जो है घूम रहे हैं। अब दाने के पास आपको कम आसपास कम मिलेंगे, किंतु लाइन के आसपास ये देखिए लाइन के आसपास आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि मात्र हमें पता है कि आधे घंटे में कितना पानी पी लेंगे, अप्रोक्स 100 लीटर के आसपास पानी पियेंगे। दोस्तों, हम 100 लीटर पानी में जो है, अब जैसे मान लीजिए इसमें 4000 बच्चों की 4300 बच्चे टोटल आए हैं, तो उसमें जो वैक्सीन के जो हमारे पास में जो डोजेस है वो 5000 बच्चों के लिए आते हैं। दोस्तों, या तो अगर आपका 4100 भी होगा तो डोज 5000 के लिए आएगा, अगर आपका 3900 होगा तो आपको 4000 के लिए आएगा। दोस्तों, तो ये तो हो गया। अब दोस्तों, ये कौन सी बीमारी का जो वैक्सीन है दोस्तों, ये है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें तो दिखा देता हूँ, किंतु मैं पढ़ के बता देता हूँ। दोस्तों, ये रानीखेत बीमारी का के जो है वैक्सीन है, इसको हम न्यू कास्टल बोलते हैं, मतलब ये हमारे इंडिया में जो है रानीखेत क्षेत्र में पाई गई थी पहली बार, तो इसलिए रानीखेत बीमारी बोलते हैं। और इसको जो हम लसोटा वैक्सीन बोलते हैं, और ये 7वें और 21वें दिन वैक्सीन होती है। दोस्तों, इसका जो करने का तरीका ये है कि हम मैंने आपको बता दिया, 2 घंटे प्यासे रखने बाद में जितना पानी आधे घंटे में पी जाएंगे उतने पानी में ये डाल दो और वाल खोल दो, और उसके बाद में जो भी पानी बच रहा है जो भी उसको जो है टंकी को धो दो, और फ्रेश पानी से धोने बाद में उसमें फ्रेश पानी चलने दो। इसमें ड्रिप कप में जो भी पानी बचेगा उसको भी हमें खाली करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हो गया। अब ये वैक्सीन का भी मैंने बता दिया। अब इसके साथ में वैक्सीन रखने का जो मैं तरीका है, देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से थर्मस है, और इस थर्मस में ये देखिए 5 बोतलें हैं वैक्सीन की, और ये जो दिख रहा है ये आइस बैग है, ये बहुत ठंडा रहता है, और इसको हम फ्रिज में रखते हैं। दोस्तों, इसको कभी भी फ्रिज में खुला नहीं रखना है आपको वैक्सीन, क्योंकि ये जानवरों की वैक्सीन है, और एक प्रकार से ये है एक प्रकार से वायरस है। अगर ये अगर मान लो इसका गलत तरीके से अगर उपयोग अगर होगा तो एक प्रकार से वायरस के रूप में कार्य करने लग जाता है, और किसी भी प्रकार से हमें नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्तों, इसको जो है थर्मस में ही रखना है और फ्रिज में रखना है, किंतु थर्मस में रखना है, फ्रिज में जो चूँकि हम घरेलू यूज़ में वाली चीज़ भी हम रख लेते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसको बर्फ में रखना है, इसका टेम्परेचर जो है 8 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब अगर हम पानी भी है जो वो फ्रेश पानी लेना चाहिए, कोशिश ये करें कि आप जो है उसको
वाटर ट्रीटमेंट हो वाला पानी जो है हम जो मार्केट से जो लेके आते हैं वो ठंडा पानी जो रहता है, चिल्ड वाटर जो रहता है, वो चिल्ड वाटर हम इसमें ले सकते हैं, वो पानी बहुत अच्छा आता है और उस पानी से जो है वैक्सीन करेंगे ज़्यादा बेटर है। किंतु दोस्तों हमारे पास में वो पानी अवेलेबिलिटी नहीं है, इसके कारण जो है हम टंकी में से जो भी ठंडा जो जो पानी रहता है हम इसलिए रात में वैक्सीन करते हैं ताकि ठंडा पानी हमें मिले। तो दोस्तों हम वो ठंडा पानी लेके और 100 लीटर पानी में जो हम पाँचों जो वैक्सीन है उसको घोल के डाल देंगे और उसके बाद में वाल चालू कर देंगे और आधे घंटे हम इनको पानी पीने देंगे। आधे घंटे के बाद में जो है हम फ्रेश पानी से टंकी धो के और वाल चालू ये कर देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, धन्यवाद। चलो।